लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, कांग्रेस के 26 पदाधिकारियों ने आज स्थानीय नेताओं के रवैये पर अपनी नाराजगी जताते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। प्रदेश आलाकमान को अपना त्यागपत्र सौंपने वालों में दीघा के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्ग विजय पाल, जिला उपाध्यक्ष त्रियोगी तिवारी, उपाध्यक्ष वी आर सावले समेत 23 पदाधिकारियों का समावेश है। पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने कहा कि जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और रमाकांत मात्रे जैसे स्थानीय नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि निष्ठावान कार्यकर्ताओं का भारी अपमान और उपेक्षा हो रही है, जिससे तंग आकर ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। नवीनबई मनपा चुनाव से ठीक पहले पदाधिकारियों के इस तरह सामूहिक इस्तीफे ने नवीनबई कांग्रेस को जोर का झटका दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। नई मुंबई कांग्रेस पक्ष ने हमेशा दीघा को दुर्लक्ष किया, हमको अपमानित किया गया, तो हम क्या मुंह लेके समाज में जाएं और क्या लोगों को कहें। कांग्रेस के नई मुंबई के जो लीडर्स हैं, उनका तरफ से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कार्यकर्ता के लिए या लोगों के लिए, तो ये इसके लिए पार्टी यहाँ पर खत्म होते 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 जा रही है। काँग्रेसच्या आमच्या स्थानिक नेतृत्वाला आमची कदर राहिलेली नाही। इथल्या नेतृत्वाला फक्त त्यांच्या त्यांच्या खुर्च्या सांभाळायच्या, त्यांच्या त्यांच्या नातेवाईकाला सांभाळायच्या, कार्यकर्त्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही। नवी मुंबई में मनपा चुनाव से पहले ही जीत का दावा करने वाली नवी मुंबई कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। दीघा के 26 पदाधिकारियों का एक साथ इस्तीफा इसका बड़ा सबूत देता है। आज दीघा ब्लॉक के सभी 9 वार्डों के जिला और तालुका पदाधिकारियों ने सामूहिक तौर पर प्रदेश आलाकमान को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए पार्टी छोड़ दी। इनमें दीघा के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्ग विजय पाल, जिला उपाध्यक्ष त्रियोगी तिवारी, उपाध्यक्ष बी आर सावले, महिला ब्लॉक अध्यक्ष प्रभा मिश्रा और ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश यादव समेत 23 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समावेश है। इस्तीफा सौंपने के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें पार्टी से नहीं बल्कि नवीनबई के जिलाध्यक्ष और दूसरे नेताओं से शिकायत है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगातार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान कर रहे हैं। नाराज पदाधिकारियों ने कहा कि स्थानीय नेताओं ने कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा, न ही जनता की समस्याएं दूर करने में उन्हें कोई मदद की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अपनी सरकार रहते हुए भी वे जनता की मदद नहीं कर सकते, फिर ऐसी पार्टी में रहने का भला औचित्य क्या है। नई मुंबई जिले के 4 सचिव और 2 सरचिटनीस और महिला ब्लॉक अध्यक्ष और मैं खुद ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष, पूरे 9 वार्ड अध्यक्ष और वार्ड के पदाधिकारी, ऐसा करके 26 लोगों ने आज इस्तीफा कांग्रेस दादर तिलक भवन में हमने दिया है। हमें सिर्फ नई मुंबई के जो नेतृत्व है उस नेतृत्व से हमको शिकायत है। कांग्रेस पार्टी को मैं कोई दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस के नई मुंबई के जो लीडर्स हैं, उनका तरफ से कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कार्यकर्ता के लिए या लोगों के लिए, तो ये इसके लिए पार्टी यहाँ पर ख़त्म होते 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 जा रही है। अगर कामकाज ठीक रहेगा तो ये नौबत क्यों आएगी। एक नई मुंबई जो जिला कमेटी में आज जो भी चला रहे हैं, नई मुंबई जिला का टोटल फेल है। इनको कार्यकर्ताओं से कुछ पड़ी नहीं है, इनको पक्ष का कुछ पड़ा नहीं है, इनको अपना पड़ा हुआ है। ये अपना कैसा इनका उल्लू सीधा होगा ये करेंगे, और इसी से हम लोग दुखी होके हम लोग टोटल आज 25 हमारे पदाधिकारी जिला के, दीघा ब्लॉक के, दीघा 9 वार्ड है, 9 वार्ड के अध्यक्ष, हमारे लोग इतने दुखी हैं और इसके लिए मजबूर होके हमारा पूरा दीघा ब्लॉक जिले कमेटी के जो मेंबर है, हम लोगों ने सारे लोगों ने आज एक स्वर से पत्र लिख के हम लोग जाके तिलक भवन राजीनामा दिए हैं। हमें कांग्रेस से कार्यकर्ते 40-40 वर्षापासून कांग्रेस से काम करीत आलो, परंतु कांग्रेस च्या आमच्या स्थानिक नेतृत्वाला आमची कदर राहिलेली नाही। आमच्या कुठल्याही सुखादुखात किंवा एखाद्या छोट्या मोठ्या कामाकडे त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही, त्यामुळं आम्हाला नाईलाजाने काँग्रेसची हे पद सोडावं लागत आहेत। इथल्या नेतृत्वाला फक्त त्यांच्या त्यांच्या खुर्च्या सांभाळायच्या आहेत, त्यांच्या त्यांच्या नातेवाईकाला सांभाळायच्या आहेत, कार्यकर्त्याकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत। काँग्रेसचं एकही नेतृत्व झोपडपट्टी भागात किंवा कार्यकर्त्याच्या कुठल्या कार्यक्रमाला अजिबात आलेलेच नाहीत, तर त्याच्यामुळं त्यांची ओळख तर नाहीच नाही, आता आमची ओळख मिटायची वेळ आली।
म्हणून आम्हाला नाईलाजानं दुःखी अंतकरणानं काँग्रेसला सोडावं लागलंय। बताना जरूरी है कि नवीन भाई कांग्रेस इस वक्त तीन खेमों में बटी हुई है, जिसमें पहला खेमा जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक का है, दूसरा रमाकांत मात्रे का और तीसरा खेमा संतोष शेट्टी का है। पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों का खुला आरोप है कि तीनों ही नेता सिर्फ खुद और अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए काम करते हैं, जबकि उन्हें कार्यकर्ताओं की कोई चिंता तक नहीं है, इसीलिए कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बीआर सावले और त्रियुगी तिवारी ने जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कभी आगे बढ़कर मदद नहीं की और हर बार उपेक्षा की, इसलिए अब उनसे भरोसा उठ गया है। फिलहाल कांग्रेस छोड़ने वाले हिंदी भाषी नेता और कार्यकर्ता अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि वे किस पार्टी में जाएंगे। मुंबई कांग्रेस पक्ष ने हमेशा दीघा को दुर्लक्ष किया, हमको अपमानित किया गया और बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अगर 30 साल पुराने कार्यकर्ताओं को, जो ग्राम पंचायत के जमाने से कांग्रेस का काम करता हो, और उस कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जाएगा, उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो हम क्या मुंह लेके समाज में जाएं और क्या लोगों को कहें। आज 30 साल हो गया, हम लोगों को एक बार भी कहीं कोई सम्मान, अगर हम कहीं जाएं उनसे कहने के लिए जाते हैं नेतृत्व को, अरे आप लोग बैठो, क्या हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे समाज के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर यही इनका भेदभाव है तो हम कांग्रेस को बाय बाय कहते हैं और हम जिला नेतृत्व को बाय बाय कहते हैं, ये अपना काम करें और हम कार्यकर्ता भूखे मरे। नवी मुंबईचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल कौशिक साहेब यांच्याकडे मी स्वतः 2-3 कामं घेऊन गेलो, परंतु त्यांनी एकही काम केलं नाही। जेव्हा सरकार आमचं आहे आणि आमच्या सरकारमध्ये मंत्री आमचे आहेत, मंत्री असताना सरकार आमचं असतानासुद्धा आमचे स्वतःचे कामं ते करू शकले नाहीत, आणि त्याच्यामुळं आम्हाला आता याच्यापुढे ते कुठलंही काम करतील याचा भरोसाही राहिला नाही। कारण यापुढे याच्या आधी 5 वर्षे ते राहिले होते, त्याच्यानंतर आताही झालं, आता परत अजून अध्यक्ष झालेत, परंतु अनिल कौशिक साहेबांनी झोपडपट्टीकडे अजिबात लक्ष दिलं नाही आणि आमच्या झोपडपट्टीतल्या कार्यकर्त्याकडे लक्ष दिलं नाही। फक्त त्यांनी काय ठीक आहे का एवढं विचारायचं काम केलं आहे, आमच्याकडे आमचे अजिबात कामं झालेली नाहीत आणि कौशिक साहेबांच्याकडून अजूनही पुढे काम होतील अशी आम्हाला अपेक्षा राहिली नाही। आम्ही काँग्रेस सोडला, हमारा अभी काँग्रेस पार्टीचे कोई भी संबंध नाही रह गया है। जो हमारा भाईचारा लोगों के साथ में बना था, हम उसी भाईचारे के साथ में लोगों को समाज में फिर रह के सेवा करेंगे। अभी तो हमने कोई योजना नहीं बनाई, हम अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में मिल के बैठ के बात करेंगे, उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमको कहीं पार्टी में जाना है क्या, हमको हम लोगों को अपना खुद अपना स्टैंड रख के अपने लोगों को सहायता करनी है। बताते चले कि इससे पहले कांग्रेस के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने भी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सूत्रों की माने तो मुंबई के कई और इलाकों के कार्यकर्ता भी इसी तरह स्थानीय नेताओं से नाराज होकर पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो मुंबई में बची खुची कांग्रेस के लिए मनपा चुनाव में और भी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।